Welcome to Dental and Ayurveda, our channel for basic dental and basic Ayurvedic sciences. आज हम पढ़ेंगे hemolytic anemia और कुछ tips and tricks जिससे हम clinical features बहुत आसानी से याद कर सकते हैं. Before proceeding, I would like to thank you all for your support. And इस chapter के ready to read notes available हैं हमारे Instagram page पे, जिसका link given है description box में. So do follow us there. आज का हमारा टॉपिक है हीमोलिटिक अनीमिया. हीमोलिटिक का मतलब क्या होता है? फर्स्टली इट इज अ टाइप ऑफ अनीमिया. हमने तीन टाइप्स देखे थे अनीमिया के. पहला था ब्लड लॉस अनीमिया, सेकंड है हीमोलिटिक अनीमिया, और थर्ड जो हम आगे पढ़ेंगे दैट इज अनीमिया ड्यू टू डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन. सो हीमोलिटिक का मतलब क्या होता है? हीमो मतलब आरबीसी एंड लिटिक मतलब लिसिस. इसका मतलब आरबीसीज का ब्रेकडाउन. So hemolytic anemia is nothing but anemia caused due to increased breakdown of RBCs. अब RBCs का breakdown होता है तो hemolytic anemia के कुछ clinical features होते हैं. अब क्या होता है ना, hemolytic anemia के बहुत सारे types आते हैं. हम पढ़ेंगे आगे erythrospherocytosis, G6PD deficiency, sickle cell anemia, thalassemia, hemagglutination, कई सारे types होते हैं. तो सबके क्लिनिकल फीचर्स याद करना इज अ डिफिकल्ट टास्क. तो उसके लिए एक जनरल कैटेगराइजेशन है कि हीमोलिसिस कहाँ होगा. हीमोलिसिस या तो एक्स्ट्रा वैस्कुलर होगा या इंट्रा वैस्कुलर होगा. एक्स्ट्रा वैस्कुलर मतलब एक्स्ट्रा मीन्स बाहर एंड वैस्कुलर मीन्स आउटसाइड द ब्लड वेसल्स. हमारी ह्यूमन बींग्स में वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स. तो एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस मीन्स वो आरबीसी का ब्रेकडाउन जो कि ब्लड वेसल्स के बाहर हो रहा है. And intravascular hemolysis means hemolysis which is taking place inside the blood vessels. Intra means inside and vascular means blood vessels. Now let's see कि extravascular hemolysis क्या होता है और उससे क्या-क्या clinical features generate होते हैं. So as I told you, extravascular means out of vascular compartment. और हमारे body में vascular compartment क्या होगा? Blood vessels and lymphatic vessels. Usually जो extravascular hemolysis होता है, जो normally होता है, जो RBC का lifespan है, वो होता है 120 days का. That means after 120 days RBC अपने आप breakdown हो जाती है. और कहाँ पे breakdown होती है? Spleen में, because spleen is the graveyard of RBCs. पर extravascular hemolysis में क्या होता है? जो RBCs होती है वो बिफोर 120 डेज जो उसका नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है. इनफैक्ट अगर एक रेंज की बात की जाए तो RBCs का लाइफ स्पैन होता है 110 टू 120 डेज. तो अगर RBCs का ब्रेकडाउन 110 एंड 120 डेज से पहले हो रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर हीमोलिसिस. एंड अगर ये ब्रेकडाउन स्प्लीन की कैपिलरीज में हो रहा है तो इट विल बी नोन एज एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस. क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं हो रहा है, स्प्लीन के अंदर हो रहा है. तो एक्स्ट्रा वैस्कुलर एंड हीमोलिसिस बिकॉज ब्रेकडाउन हो रहा है आरबीसीज का बिफोर 120 डेज. सो दिस इज एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस. इफ यू कैन सी हियर कि जो आरबीसीज है उनका जो डायमीटर होता है वो 7.2 माइक्रोमीटर का होता है ऑलमोस्ट. इसका मतलब आरबीसीज आर वेरी स्मॉल एज 7.2 माइक्रोमीटर. पर अगर जो स्प्लीन की कैपिलरीज देखी जाए तो वो 7.2 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है. तो अगर आरबीसीज को स्प्लीन की कैपिलरीज में से पास करना है तो उसको इस तरीके से अपनी साइज और अपनी शेप को मॉडिफाई करना होगा कि वो आरबीसीज की कैपिलरीज में से बिना ब्रेकडाउन हुए पास हो जाए. दैट मीन्स अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी. तो अगर देखा जाए कि आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी में, शेप या साइज में कोई भी चेंज कर दिया जाए तो वो क्या होगा? स्प्लीन की कैपिलरीज में फंस जाएगी. और जैसे ही वो स्प्लीन की कैपिलरीज में फंस जाएगी तो इट वुड लीड कि मैक्रोफेजेस और स्प्लीन के जो फेगोसाइट्स हैं वो उस आरबीसी को एंगल्फ कर लेंगे और उसको ब्रेक डाउन कर देंगे. दैट मीन्स एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस कर देंगे. So, any change in shape of RBCs or flexibility of RBCs results into extravascular hemolysis. तो पहले तो हमें ये याद करना होगा कि extravascular hemolysis किस किस में होगा. तो extravascular hemolysis उन उन diseases में होगा जिनमें RBC की shape या RBC की flexibility जो है वो change हो रही है.
नाउ एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स जो है एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस के, वो क्या क्या होंगे हम ये देखते हैं। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस जो है, हम आगे जो डिजीजेस पढ़ेंगे वो होगा हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में और G6PD डेफिशिएंसी में। तो अब अगर जब हम उसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो हम ये एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस के फीचर्स देखेंगे। लेट्स सी कि क्या क्या फीचर्स होते हैं एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस के। तो पहला है अनीमिया। ऑफ कोर्स ये बात है, अनीमिया तो हो गई, दैट इज व्हाट द टॉपिक वी आर स्टडीइंग। सो पहला क्लिनिकल फीचर्स इनफैक्ट किसी भी अनीमिया का होगा अनीमिया। एंड एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस में जो अनीमिया होता है वो होता है माइल्ड टू मॉडरेट, नॉट सीवियर बट माइल्ड टू मॉडरेट। सेकेंड क्लिनिकल फीचर विच इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस इज जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मली कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है, मतलब या तो आरबीसी में होगा या किसी ना किसी प्रोटीन से एसोसिएटेड होगा, स्पेसिफिकली हेप्टोग्लोबिन प्रोटीन से। पर जॉन्डिस में क्या होता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल अचानक से बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन भी कॉन्जुगेटेड नहीं, अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन जो कि किसी काम में नहीं आ सकता। तो जॉन्डिस में जब अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन में। एंड हमें पता है बिलिरुबिन इम्पार्ट्स येलो कलर टू स्किन, कंजक्टिवा, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अदर पार्ट्स। सो इसीलिए एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस में जॉन्डिस एक क्लिनिकल फीचर है क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। द थर्ड फीचर व्हिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस इज स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली मतलब स्प्लीन, एंड मेगाली मींस इंक्रीज इन साइज। तो स्प्लीन की साइज ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी क्योंकि जो आरबीसीज है एट द एंड जहां जाके हीमोलिसिस कहां आ रहा होगा, स्प्लीन में। तो इसलिए स्प्लीन अपनी साइज बढ़ा लेती है क्योंकि स्प्लीन की साइज बढ़ेगी तभी तो इतनी सारी जो आरबीसीज अचानक से हीमोलिसिस के लिए आ रही है उनका प्रॉपर हीमोलिसिस हो रहा है। सो इसीलिए स्प्लीनोमेगाली इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इन स्प्लीन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस। इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस मतलब आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन इनसाइड द ब्लड वेसल्स। एंड ये क्यों क्यों होता है, कुछ बेसिक कॉमन कॉजेस हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, कुछ डिजीजेस होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं जो कि आरबीसीज के साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके उनका इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस करा देते हैं, या फिर ड्रग इंड्यूस्ड रिएक्शन। हमने पढ़ा है फार्माकोलॉजी में कि कुछ ड्रग्स होते हैं जिनका साइड इफेक्ट क्या होता है, अनीमिया। तो कैसे होता है अनीमिया, बिकॉज ऑफ दिस इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस। या फिर हमने रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा था, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी या ए बी ग्रुप जो है उसकी इनकम्पैटिबिलिटी, तो उसमें भी रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस होता है। देन पॉइजनिंग ऑफ आरबीसीज, आगे हम पढ़ेंगे कुछ डिजीजेस जैसे टॉक्सिन्स या लेड पॉइजनिंग, उनमें भी इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस प्रेजेंट होता है। Then we have कि what are the clinical features which are present due to intravascular hemolysis? तो कुछ clinical features जो intravascular hemolysis के हैं, उनमें से पहला होगा of course anemia, वो तो characteristic होगा। Second होगा jaundice, क्यों? क्योंकि इसमें भी RBC breakdown होगा तो unconjugated hemoglobin का level बढ़ेगा और उसके कारण bilirubin बनेगा और jaundice हो जाएगा हमें। थर्ड इज इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन, वो मैंने बताया जिसके कारण ही जो है जॉन्डिस हो रहा है, बिकॉज अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है इसी के कारण से जॉन्डिस होगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज हीमोसाइबिलिन, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि हमारी बॉडी एक्यूमुलेट ही नहीं कर पाएगी उसे, एंड उसकी उस हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देगी एक और मॉलिक्यूल में जिसे बोलेंगे हीमोसाइबिलिन। एंड हीमोसाइबिलिन का अमाउंट बढ़ता है इसीलिए जो बोन मैरो होती है इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस में वो ब्लैक एंड ब्लू स्टेन करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस हीमोसाइबिलिन जो कि ब्लैक एंड ब्लू स्टेन लेता है। देन वी हैव हीमोग्लोबिनुरिया। ऑफ कोर्स एक थ्रेशहोल्ड के बाद जो हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड में प्रेजेंट है वो हमारी यूरिन में भी एक्सक्रीट होने लगेगा। इट्स जस्ट लाइक प्रोटीनुरिया, प्रोटीन हमारी यूरिन में प्रेजेंट होता है तो दैट इज प्रोटीनुरिया, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो दैट इज हीमोग्लोबिन। देन हीमोसाइबिलिन
हो गया, ब्लड में अगर हीमोसाइडिन इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली अगर अनकंट्रोल्ड रहेगा तो यूरिन में भी हीमोसाइडिन प्रेजेंट होगा, विच इज हीमोसाइडिनुरिया। देन वी हैव इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ऑफ कोर्स दिस अगेन इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू जॉन्डिस। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा तो जॉन्डिस भी बढ़ेगा। देन वी हैव इंक्रीज रेटिकुलोसाइटोसिस। रेटिकुलोसाइटोसिस क्या होता है? एक्चुअली इसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि आरबीसी की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है उनमें से सबसे लास्ट वाली जो स्टेज होती है वो होती है रेटिक्यूलोसाइट। यहाँ पे नाम एविडेंट है, रेटिक्यूलोसाइट। तो जब आरबीसी हमारी बॉडी को कम पड़ जाती है एनीमिया में, तो हमारी बॉडी क्या करना चाहती है? कॉम्पनसेट करना चाहती है उस एनीमिया के लॉस के लिए। जो आरबीसी का लॉस हो चुका है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमारी बॉडी जो है और ज्यादा ज्यादा आरबीसी बनाने की कोशिश करती है। पर ऑफ कोर्स इतने कम टाइम में आरबीसी बन नहीं पाती है पूरी सी, तो उन आरबीसी की अधूरी फॉर्म माने रेटिकुलोसाइट हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। एंड इसी का कारण है कि इंक्रीज रेटिकुलोसाइटोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस। देन वी हैव डिक्रीज पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब जो आरबीसी है उनका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस में। ऑफ कोर्स आरबीसी ब्रेक डाउन होगी तो उसका वॉल्यूम तो कम हो गई, वो एक साबुत आरबीसी से पीसेस में डिवाइड हो रही है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, दैट इज डिक्रीज पैक्ड सेल वॉल्यूम। देन वी हैव इंक्रीज एमसीएचसी। एमसीएचसी क्या होता है? एमसीएचसी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में अपॉन पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो हमने अभी देखा कि जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम कम होगा तो इनवर्स रिलेशन के कारण एमसीएचसी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। देन वी हैव पोलीलिथियासिस। पोलीलिथियासिस मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना। क्यों हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन? हमारा गॉल ब्लैडर जो है उसका फंक्शन होता है कि वो बिलीरुबिन को जो है प्रोसेस करे। अगर बिलीरुबिन का अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा गॉल ब्लैडर कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा, उससे उस बिलीरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा और इसी के कारण गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाएंगे, यूरेट के स्टोन्स और कैल्शियम के स्टोन्स, जिसको हम कहेंगे कोलेलिथिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम वीडियो बना सके और वो आपके लिए आसान हो सके।